हेलो फ्रेंड्स, मैं अलियानी सर और आज हम वेक्टर में मेथड नंबर 7 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है और उसमें से एक सम पक्का आता है। इस मेथड के अंदर आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों आना चाहिए। अगर डॉट और क्रॉस दोनों आपको आते हैं तभी आप ये मेथड कर पाएंगे। इस मेथड के अंदर क्या है आइए समझते हैं। थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी हमको एंगल लेना है थीटा। सो सदिशो वच्चेनो खूणो, सदिशो वच्चेनो खूणो। थीटा को ऐसे भी दिखाया जाता है, इट इज एक्स बार एंगल वाई बार। समझ लीजिए दो वेक्टर है एक्स बार और वाई बार, तो इन दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा थीटा। अब ये थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक है कॉस थीटा एक्स बार डॉट वाई बार अपॉन एक्स बार मैग्नीट्यूड वाई बार मैग्नीट्यूड। इस फॉर्मूला के अंदर ऊपर आएगा डॉट प्रोडक्ट, नीचे आएगा एक्स बार का मैग्नीट्यूड और y बार का मैग्नीट्यूड, और दोनों का इधर क्या है मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है sin थीटा। sin थीटा के अंदर आपको x बार क्रॉस y बार फाइंड करना है और डिवाइड विल बी सेम, यानी अगर cos थीटा का फॉर्मूला आप यूज करते हो तो यहां आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा, और अगर sin थीटा का फॉर्मूला यूज करते हो तो यहां आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो है cos थीटा और sin थीटा का फॉर्मूला है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ही आप इस मेथड के सम कर पाओगे। इस मेथड के अंदर आपको पूछेंगे फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको सिर्फ एंगल फाइंड करना है, प्रूव करना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यू कैन यूज एनी फॉर्मूला। बट आई सजेस्ट, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एंगल प्रूव करना है तो ये फॉर्मूला यूज करिए, और अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला। अब हम एग्जांपल से देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे यूज होते हैं। अब हम मेथड नंबर 7 का सम नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन 1, 2, 3, ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर। अब ये सदिश वच्चेनो खूणो शोधवानो छे, तो पहले वेक्टर को x बार नाम दीजिए, दूसरे वेक्टर को y बार नाम दीजिए। अब देखो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, साइन वाला के कॉस वाला। तो अगर आपको सिर्फ एंगल फाइंड करना है, सिर्फ एंगल फाइंड करना है, यूज फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला रहेगा एक्स बार डॉट वाई बार अपॉन एक्स बार मैग्नीट्यूड वाई बार मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहला काम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का। पहले स्टेप में आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, दूसरे स्टेप में आपको एक्स बार मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और इसके बाद वाले स्टेप में ये सम टोटल 4 स्टेप में होगा। पहला स्टेप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो, दूसरा स्टेप एक्स बार मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तीसरा स्टेप वाई बार मैग्नीट्यूड फाइंड करो, चौथा स्टेप आप ये फॉर्मूला में वैल्यू डालो और आपको आंसर मिलेगा थीटा यानी एंगल। तो एक्स बार डॉट वाई बार, तो एक्स बार 1, 2, 3 डॉट, वाई बार की जगह -2, 3, 1। अब देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, नो कॉमा नो ब्रैकेट स्लोगन के हिसाब से 1 × -2 -2, 2 × 3 + 6, 3 × 1 दैट इज +3, यानी -2 + 6 + 3 आपको मिलेगा 7, यानी एक्स बार डॉट वाई बार मिला 7। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है एक्स बार मैग्नीट्यूड फाइंड करना। सो रूट के अंदर ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर, पहले ब्रैकेट के अंदर 1, दूसरे ब्रैकेट का 2 और ये आएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी आपको मिलेगा √9 + 4 + 1,
यानी 14, दिस इज एक्स बार मैग्नीट्यूड। अब हम वाई बार मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, जो हमारा थर्ड स्टेप है। क्या होगा? माइनस टू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी माइनस टू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। सो माइनस टू का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, यानी अगेन दिस इज ऑल्सो 14। यानी इस सम के अंदर आपको टोटल चार स्टेप करने हैं। पहला स्टेप आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, दूसरा एक्स बार मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तीसरा वाई बार मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तीन स्टेप हो जाने के बाद आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कॉस थीटा का। एक्स बार डॉट वाई बार कितना है? 7। एक्स बार मैग्नीट्यूड कितना है? रूट 14। और वाई बार मैग्नीट्यूड रूट 14। यहां पे दोनों रूट वाले हैं, इसीलिए दोनों रूट वाले का इनटू हो सकता है। याद रहे, रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 5 नहीं होता है, राइट? दो रूट वालों का प्लस नहीं कर सकते हैं, दो रूट वालों का माइनस नहीं कर सकते हैं, पर दो रूट वालों का इनटू कर सकते हैं, और वो होगा रूट 6। तो उस हिसाब से यहां पे रूट 14 इंटू रूट 14 यानी रूट 196 कितना होगा? रूट 196। डायरेक्टली यू कैन राइट रूट 14 इंटू रूट 14, इट इज 14। डायरेक्ट वर्गमूल 14 अने वर्गमूल 14 नो गुणाकार 14 लखी सकाय। सो 7 अपॉन 196 का रूट 14, ये आपको मिल रहा है कॉस थीटा। अब 7 टू जा 14 यानी 1/2, आपको मिला कॉस थीटा 1/2। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ट्रिगो का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो आपको स्क्रीन के ऊपर ये पूरा ट्रिगो का जो वैल्यू का टेबल है, वो टेबल मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ। तो ये देखिए स्क्रीन के ऊपर, और अब आप इसमें देखिए कि 1/2 कॉस की लाइन में, कॉस की जो लाइन है उसमें 1/2 वैल्यू जो है वो किस एंगल के लिए आ रही है। तो आपको स्क्रीन पे आपने देखा, आपको थीटा जो है कॉस के लिए किस वैल्यू के लिए 1/2 मिल रहा है, तो थीटा आपको मिलेगा पाई बाय 3। पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, या पाई बाय 3 लिखिए या 60 डिग्री लिखिए। तो इस सम में टोटल चार स्टेप, पहला स्टेप डॉट प्रोडक्ट, दूसरा एक्स बार मैग्नीट्यूड, तीसरा वाई बार मैग्नीट्यूड, चौथा स्टेप ये फॉर्मूला लिखिए, इसमें वैल्यू डालिए और फाइनली आप थीटा का आंसर निकालिए। तो 60 डिग्री जो है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपको मिला। सम नंबर 2, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स 2i + j + 4k एंड i + j + k। यहाँ पे दो वेक्टर है अने आपने शू करवानो छे, बे वच्चे नो खूणो शोधवानो छे। तो फॉर्मूला कॉस थीटा का जो है वही यूज करना है। सबसे पहला काम, आई जे के वाला जो वेक्टर है उसको एक्स बार नाम दिया, वाई बार नाम दिया, और अब मैं आई जे के फ्री करूंगा 2 1 4 1 1 1। नाउ एक्स बार डॉट वाई बार 2 1 4 डॉट 1 1 1। देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना। तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। सो 2 into 1 is 2, 1 into 1 is 1, 4 into 1 that is 4। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 + 4 7। देखिए पहला हमने जो सम किया उसमें भी डॉट प्रोडक्ट का आंसर 7 आ रहा था, इधर भी आंसर 7 आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर सम में आंसर 7 आएगा। तो 7 आए, माइनस 2 आए, माइनस 3, कुछ भी डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ सकता है। तो ये हुआ आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, एक्स बार मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करना है 2 1 4, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, यानी ये मिलेगा आपको रूट 21। तो ये हुआ आपका दूसरा स्टेप। नाउ वाई बार मैग्नीट्यूड स्टेप नंबर 3। तो वाई बार क्या है? 1 1 1। तो ये बनेगा आपका 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 + 1 + 1, इट इज रूट 3। सो ये आपके तीसरे 1, 2 और 3 तीनों स्टेप आपके आ गए। अब हम कॉस थीटा का फॉर्मूला लेंगे।
cos theta x bar dot y bar अपॉन x बार मैग्नीट्यूड y बार मैग्नीट्यूड। फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो यूज फॉर्मूला ऑफ cos थीटा। सो x बार डॉट y बार की वैल्यू 7 हमको मिली है, हम इधर 7 रख देंगे। x बार मैग्नीट्यूड की वैल्यू रूट 21 मिली है, हम इधर रूट 21 रखेंगे। y बार मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमको रूट 3 मिली है, हम रूट 3 रखेंगे। सो 7 अपॉन, दोनों रूट वाले हैं तो मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 21 इंटू 3 रूट 63। अब सोचिए इसमें क्या कर सकते हैं, तो 63 जो है वो किस टेबल में आता है, 9 इंटू 7। अब देखो 9 जो है वो रूट के बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, 3 रूट 7। अब ये जो 7 है, अब देखो जैसा कि आप जानते हो रूट 3 इंटू रूट 3 3 कैसे होगा, 3 तो रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9 और वो होता है 3। सेम रूट 5 इंटू रूट 5 रूट 25 और आपको क्या मिलेगा 5। तो उसी तरह से रूट एक्स इंटू रूट एक्स आपको मिलेगा एक्स। तो 7 जो है ये 7, यानी 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो रूट 7 इंटू रूट 7 और डिवाइड में जो है ये कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 3 को मैं लिख सकता हूँ ये, 5 को मैं ये लिख सकता हूँ रूट 5 इंटू रूट 5, एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ, तो 7 को मैं लिख सकता हूँ रूट 7 इंटू रूट 7। अब एक रूट 7 कट जाएगा तो रूट 7 अपॉन 3 आपको मिलेगा कॉस थीटा। अब जैसा कि जो भी कॉस थीटा की वैल्यू आती है वो हमको इसके ट्रिगो के जो टेबल है उसमें देखना है, तो स्क्रीन पे आप टेबल देखिए, टेबल में कहीं पे भी आपको रूट 7 अपॉन 3 कॉस की लाइन में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है इसकी वैल्यू हमको टेबल में से नहीं मिलेगी। जिसकी वैल्यू हमको टेबल में से नहीं मिलती है तो क्या करना है वो यहाँ देखिए, तो थीटा आपको मिलेगा कॉस, वहाँ ले जाना है कॉस, उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स। फिर से समझिए, जब कॉस एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो कॉस के ऊपर माइनस वन, यानी उसको कहते हैं कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा रूट 7 अपॉन 3। तो ये आपका थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपको मिला। फिर से बता रहा हूँ, एंगल फाइंड करना है, चार स्टेप में सम करना है। पहला स्टेप डॉट प्रोडक्ट, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार, तीसरा वाई बार मैग्नीट्यूड, चौथा स्टेप फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। तो ये हुआ सम नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स 3i प्लस j प्लस 2k एंड 2i माइनस 2j प्लस 4k इज साइन इनवर्स 2 अपॉन रूट 7। साबित करो कि 3i प्लस j प्लस 2k अने 2i माइनस 2j प्लस 4k वच्चेनो खूणो साइन इनवर्स 2 बाय रूट 7 थाय। अब देखो यहाँ पे आपको प्रूव करना है, और जो प्रूव करना है वो साइन में है, तो हमको कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्स बार 3i प्लस j प्लस 2k यानि 3 1 2, और y बार हमको लेना है 2i माइनस 2j प्लस 4k 2, -2, 4 2, -2, 4। तो ये मिला आपको x बार y बार, और आपको ये प्रूव करना है, मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला लेना है। तो सबसे पहले साइन थीटा के लिए हमको चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट। हम यहाँ डॉट प्रोडक्ट नहीं फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हम कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करने नहीं जा रहे हैं, हम यूज़ करेंगे साइन थीटा, और उसके लिए हमको चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट i j k, पहले x बार के कंपोनेंट 3 1 2, y बार के कंपोनेंट 2 -2 4। नाउ i 2/2 डिटर्मिनेंट, माइनस j 2/2 डिटर्मिनेंट, प्लस k 2/2 डिटर्मिनेंट। i के साथ कौन आएगा, j और k के जो नीचे नंबर्स हैं वो आएगा। माइनस j के साथ कौन आएगा, i और k के साथ जो है वो आएगा 3 2 2 4, प्लस k 3 1 2 -2। अब देखो i 1 इंटू 4 4, ये नियम का माइनस,
इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, माइनस टू टू से मल्टीप्लाई करेगा माइनस फोर, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस फोर। माइनस जे, थ्री फोर जा ट्वेल्व, माइनस टू इंटू टू फोर। प्लस के, इन दोनों का इंटू माइनस सिक्स, ये नियम, टू वन जा टू। सो आई, फोर प्लस फोर एट, ट्वेल्व माइनस फोर एट, प्लस के माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट, ये बन गया एट आई माइनस एट जे माइनस एट के, यानि एट माइनस एट माइनस एट, ये आपको मिला एक्स बार क्रॉस वाई बार। मुझे क्या चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। सो एक्स बार क्रॉस वाई बार मैग्नीट्यूड, एट का स्क्वायर माइनस एट का स्क्वायर माइनस एट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 64 प्लस 64, यानी ये हो जाएगा 192। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मिला रूट 192। अब हम एक्स बार मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। एक्स बार मैग्नीट्यूड रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा रूट 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी आपको मिला रूट 14। दिस इज एक्स बार मैग्नीट्यूड। अब हम फाइंड करेंगे वाई बार मैग्नीट्यूड, जो मिलेगा रूट यानी 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानि 4 माइनस 2 का 4, 4 का स्क्वायर 16, यानि 24 आपको मिला वाई बार मैग्नीट्यूड। अब हम तीन हमारी चीज़ें आ गई है, एक एक्स बार क्रॉस वाई बार मैग्नीट्यूड हमको 192 रूट मिल गया है, एक्स बार मैग्नीट्यूड वाई बार मैग्नीट्यूड हमको मिल गया है। अब हम यूज़ करेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला, जो है एक्स बार क्रॉस वाई बार मैग्नीट्यूड अपॉन एक्स बार मैग्नीट्यूड वाई बार मैग्नीट्यूड। सो एक्स बार क्रॉस वाई बार मैग्नीट्यूड इज रूट 192, 192। एक्स बार मैग्नीट्यूड रूट 14, वाई बार मैग्नीट्यूड रूट 24। दिस इज प्रोडक्ट। अब ये रूट वाले हैं तो 192, और ये हो जाएगा आपका 14 इंटू 24 यानी 336। क्या होगा? 336। अब ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो हम दोनों को एक ही रूट में डाल देते हैं, हमारा काम इजी हो जाए इसीलिए। तो आपको रूट 192 अपॉन 336 मिला है। अब हमको क्या करना है? कट करना है। तो हम कट कैसे करेंगे? तो कट करने के लिए आपको ये आपको कट करने के लिए मिलेगा 192, उसका हम हाफ कर सकते हैं। तो दो मेथड में आपको बता रहा हूँ, तो इसके आप हाफ करिए तो 100 का 50 और ये हो जाएगा आपका 96 हाफ। इसका 336 का हम हाफ कर रहे हैं यानी आपको मिलेगा 168, राइट? 96 का वापस हाफ करना है यानी मिलेगा 48, और इसका हाफ आपको मिलेगा 84। अगेन आप हाफ करिए तो ये मिलेगा आपको 24, ये मिलेगा आपको 42, राइट? अगेन हाफ करिए आपको मिलेगा 12, ये मिलेगा आपको 21, ठीक है? अब हाफ नहीं होगा तो 12 और 21 को अभी आपको कट करना पड़ेगा, तो ये होगा आपका 4 थ्रीजा और ये होगा आपका 7 थ्रीजा 21, तो ये आपका 3 फिर कट होगा यानी आपको मिलेगा रूट के अंदर 4/7। क्या मिलेगा? रूट के अंदर 4/7। अब इसको कट करने का मैं दूसरा वे आपको बता रहा हूं, अगर आपको जो भी वे समझ में आए तो ये जो वे है यहां पे आप देखिए कितने से होगा वो आपको समझना है। तो 192 और जो 336 है तो हम देखेंगे कि यहां पे 2 2 2 तीन बार कटा है, तीन बार, और ये आपका गया 8 फोरजा आपका हुआ 32, यानी 16 और 192 डिवाइड बाय 4 करिए तो आपको 4 फोरजा 16 और 32 4 8 जा, यानी आपको मिलेगा 48 फोरजा, यानी
दूसरा वे जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आपको क्या करना है, ये देखिएगा 192 अपॉन 336, तो ये आपको करना है 48 फोरजा, ठीक है, और ये आपका बन जाएगा 48 सेवनजा, क्या बन जाएगा 48 सेवनजा, ये आपको याद होना चाहिए या फिर आना चाहिए। तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ 48 कट हो जाएगा। तो अब आपको क्या मिला, 4 और 7, 4 का रूट क्या मिलेगा 2 और 7 का रूट निकलने वाला नहीं है, तो आपको मिला साइन थीटा 2/√7, देखिए दिखाई दे रहा है आंसर 2/√7, तो यहां से आपको थीटा मिलेगा साइन इनवर्स 2/√7, क्या मिलेगा साइन इनवर्स 2/√7। तो ये है एंगल प्रूव करने वाला सम जो साइन में आंसर चाहिए, इसीलिए मैंने साइन का फॉर्मूला यूज किया है। इस सम को अगर आप कॉस वाले से करते हो तो पहले कॉस मिलेगा और फिर आपको कॉस में से साइन में जाना पड़ेगा, बेटर है आप क्रॉस प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला से यूज करिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा, साइन थीटा को साइन रेशियो भी कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछते हैं, प्रूव साइन रेशियो इज 2/√7 या फाइंड साइन रेशियो, फाइंड साइन रेशियो यानी साइन थीटा फाइंड करना है, जो आंसर आपको मिला 2/√7। तो ऐसे क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकते हैं। तो ये हुआ सम नंबर 5। सम नंबर 7, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन I+2j एंड I+j+3k इज साइन इनवर्स √46/55। साबित करो कि I+2j अने I+j+3k वच्चेनो खूणो साइन इनवर्स √46/55 थाय। तो यहाँ पे x बार आएगा I+2j, y बार आएगा I+j+3k। ये हम सेम टाइप का दूसरा सम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, अब यहाँ पे देखिए k नहीं है तो 0, ये आ जाएगा 1, 1, 3। एक्स बार और वाई बार का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, एक्स बार क्रॉस वाई बार यानी IJK, एक्स बार आएगा 1, 2, 0, वाई बार आएगा 1, 1, 3। तो I 2/2 यानी J और K के नीचे 2, 0, 1, 3 माइनस J 1, 0, 1, 3 प्लस K 1, 2, 1, 1 I 2 × 3, 6 माइनस 1 × 0, 0 माइनस J 1 × 3, 3 माइनस 1 × 0, 0 प्लस K 1 × 1, 1, 2, 1, 2 I 6 − 0, 6 3 − 0, 3 प्लस K 1 − 2 = −1 सो 6I − 3J − K यानी आपको मिला 6 − 3 − 1। तो ये क्या है आपका x बार क्रॉस y बार। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सो x बार क्रॉस y बार मैग्नीट्यूड ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर यानी 6 − 3 − 1 यानी ये हो जाएगा आपका 36, 9 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी 46। तो क्रॉस प्रोडक्ट का आपको मिला √46। अब हम फाइंड कर रहे हैं x बार मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये 0 यानी आपको मिलेगा √5। वाई बार मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा √113, सो ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर 113, सो 1 + 1 + 9 √11। तो ये तीन स्टेप हो जाने के बाद अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन थीटा एक्स बार क्रॉस वाई बार अपॉन एक्स बार मैग्नीट्यूड वाई बार मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट है और सबका मैग्नीट्यूड है। सो एक्स बार क्रॉस वाई बार
यहाँ पे आपको मिला रूट 46 अपॉन एक्स बार मैग्नीट्यूड रूट 5, वाई बार मैग्नीट्यूड रूट 11, रूट 5 इंटू रूट 11, दोनों रूट वाले हैं उनका हमको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 55। आप देखोगे आंसर में भी आपको नंबर दिखाई देंगे। नाउ रूट 46 अपॉन 55, दिस इज साइन थीटा, सो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट 46 अपॉन 55, सो दिस इज थीटा साइन इनवर्स रूट 46 अपॉन 55, जो हमको प्रूव करना है वो आ गया। अब एग्जाम में या आपको कॉस थीटा वाला पूछेंगे या साइन थीटा वाला पूछेंगे। अगर आपको पूछते हैं फाइंड एंगल तो आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, अगर आपको पूछते हैं प्रूव दैट एंगल इज साइन इनवर्स या साइन रेशियो पूछते हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो भी मेथड के सम है वो प्रैक्टिस करिए, आंसर चेक करिए, आपके सम हो जाएंगे, बस प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। थैंक यू सो मच।